मुगल दरबार का इतिहास नहीं पढ़ेंगे अब यूपी के छात्र। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। क्या यह 2024 के चुनाव की तैयारी है? 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही हिंदू मुस्लिम वाला मसला भी आक्रामक होता जा रहा है। मोदी सरकार कई बुनियादी मुद्दों पर फंस चुकी है। अडानी मामले में हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लग चुका है। मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं। सैकड़ों योजनाओं पर खूब प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन रिजल्ट सिफर। अगर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर चुनाव हुए तो मोदी सरकार की हार तय है। इसलिए चुनाव के नजदीक आते ही हिंदू मुस्लिम एक बार फिर से शुरू हो गया है। अब उत्तर प्रदेश के सिलेबस में मुगल बादशाहों के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके जरिए बहुसंख्यक हिंदुओं को खुश करने की कोशिश की जाएगी। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया। सरकार ने 12वीं कक्षा के इतिहास की किताब में से मुगल चैप्टर हटा दिया। वहीं 11वीं के पाठ्यक्रम में भी कुछ बदलाव किए। यह बदलाव 2023 से 24 से लागू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शैक्षिक सत्र 2023 से 24 के यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम को लेकर अहम फैसला लिया है। स्कूलों में छात्रों को अब मुगलों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। यूपी के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने क्या कहा? इस कदम पर यूपी के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा, हमारी संस्कृति हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपनी नई पीढ़ी का परिचय विरासत से कराना चाहते हैं। पुराने काल में लोगों को हमारी संस्कृति से वंचित किया जा रहा था, लोगों को बताया नहीं जा रहा था। हम लोगों को असली संस्कृति के बारे में बताएंगे। कक्षा 12 के इतिहास की किताबों से हटाए गए विषयों के तहत छात्रों को अकबरनामा और बादशाहनामा शामिल है। इसके अलावा नागरिक शास्त्र किताब में भी बदलाव किए गए। स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब से जन आंदोलनों का उदय और एक दल के प्रभुत्व का दौर चैप्टर ही बदल दिया गया। मुगल ले गए थे तरक्की की राह पर। यूपी और सीबीएसई बोर्ड के द्वारा शैक्षिक सत्र 2023 से 24 के सिलेबस में मुगल दरबार का इतिहास हटाए जाने और 11वीं की किताबों में इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव और औद्योगिक क्रांति जैसे पाठ हटाए जाने के फैसले को लेकर संभल के SP विधायक यानी समाजवादी पार्टी विधायक, पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री नवाब इकबाल महमूद ने प्रतिक्रिया दी। SP विधायक ने कहा, BJP की सरकार मुसलमानों के विरुद्ध जो कुछ भी काम कर सकती है वह सभी कुछ करने का काम कर रही है, लेकिन मुगल शासन केवल उत्तर प्रदेश से हटाने से हटने वाला नहीं है। यह इतिहास केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मजबूत है। मुगल सल्तनत के बादशाह हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर लेकर गए थे। इतिहास की पुरानी किताबों को जब्त कर ले BJP सरकार। यूपी सरकार पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा, इनको इतिहास की पुरानी किताबों को जब्त कर लेना चाहिए जिससे कि कुछ भी बताने का सबूत ही न रहे। कक्षा 11वीं की किताबों से इस्लाम का उदय, सांस्कृतिक टकराव का पाठ हटाने पर SP विधायक ने कहा कि हम उनसे अच्छी उम्मीद बिल्कुल नहीं करते। किसी मुसलमान ने इनकी इन बातों को देखकर दुनिया बनानी शुरू कर दी, क्योंकि यह तो केवल अपने वोट और अपनी सरकार के लिए काम कर रहे हैं। SP विधायक ने कहा, ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार का इतिहास केवल हिंदुस्तान या भारतवर्ष में ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया में है। क्योंकि जब पूरी दुनिया का टूरिस्ट हिंदुस्तान आता है तो वह ताजमहल, लाल किला और आगरा के बारे में पूछता है, वही दुनिया इनको इस बारे में समझाएगी। 2020 में लिया था CM योगी ने यह फैसला। मुगलों के नाम और इतिहास को लेकर योगी सरकार पहले भी फैसले ले चुकी है। 2020 में योगी सरकार ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम करा दिया था। तब योगी ने ट्वीट कर कहा था, आरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं। हम सबके नायक शिवाजी महाराज हैं। जय हिंद, जय भारत।